बिहार हो या फिर अन्य राज्य, गोल्ड लोन कंपनियों से लेकर ज्वेलरी शॉप बदमाशों के निशानों पर रहती है। राजस्थान के उदयपुर में भी 29 अगस्त 2022 को बदमाशों ने मिनटों में 24 किलो से ज्यादा सोना लूट लिया और फरार हो गए। इसी तरह से बिहार में भी कई वारदातें भरी पड़ी हैं। कई सोना लूट की वारदातें ऐसी हुई है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस वीडियो में हम आपको बिहार के 5 बड़े सोना लूट की वारदातों के बारे में बताएंगे। बिहार के अन्य जिलों की तरह पटना में भी गोल्ड लुटेरे भरे पड़े हैं। 13 जून 2019 को यही वह काला दिन था जब लुटेरों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया था। यह वारदात पटना के पौश इलाके आशियाना दीघा रोड स्थित पंचवटी रत्नालय में हुई थी। इसमें 5 करोड़ से अधिक के सोने और 13 लाख के जेवर हाथ लगे थे। लुटेरे ग्राहक बनकर दुकान में घुसे थे, उसके बाद सभी स्टाफ को कब्जे में लेकर लूट की घटना को अंजाम दिया। तब इस लूट की घटना ने पटना ही नहीं बिहार के स्वर्ण व्यवसायियों में सनसनी मचा दी थी। हालांकि पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी और गहरी तफ्तीश के बाद इस वारदात का खुलासा तो कर दिया था, लेकिन सरगना चकमा देकर पुलिस चंगुल से भाग निकला था। दरअसल 2019 में हुई पटना की सबसे बड़ी ज्वेलरी लूट में पुलिस ने पूरे गैंग को दबोच लिया था। पुलिस ने इस घटना में सरगना रवि पेशेंट को भी गिरफ्तार किया था, लेकिन जब सबों की पेशी के लिए कोर्ट ले जाया जा रहा था तो सरगना पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया और आज लगभग 3 साल के बाद भी वो फरार ही है। पटना में एक बार उस समय सनसनी मच गई जब लगभग 3 साल के बाद उसी अंदाज में गोल्ड लोन कंपनी में बदमाशों ने सोना लूट की घटना को अंजाम दिया। 3 जून 2022 को बदमाशों ने पटना के गर्दनी बाग स्थित गोल्ड कंपनी में दिन दहाड़े लूट की थी। यहां से लुटेरों को 8 किलो सोना हाथ लगा था। गोल्ड लोन कंपनी से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों की संख्या 4 के आसपास थी। उस समय लूट में गए सोने की कीमत 5 करोड़ रुपए बताई गई थी। गर्दनीबाग थाना क्षेत्र में पुलिस कॉलोनी के पास दोपहर करीब 3 बजे IIFL गोल्ड लोन कंपनी में हुई इस लूट ने पुलिस की नींद उड़ा दी थी। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि गोल्ड लोन कंपनी से महज 100 मीटर दूर बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया था। वहां से भी बदमाशों को लाखों के जेवर हाथ लगे थे। तब शंका जाहिर की गई थी कि दोनों ही लूट को एक ही गिरोह ने अंजाम दिया है। दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र के टावर चौक के पास से 9 दिसंबर 2020 को बदमाशों ने दिन दहाड़े अलंकार ज्वेलर्स से 7 करोड़ से अधिक का सोना लूट लिया था। हथियारबंद बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े लगभग 10:30 बजे सुबह घटना को अंजाम दिया था। बदमाश 14 किलो सोना 2 लाख कैश लूटकर फरार हो गए थे। लूटपाट की घटना को अंजाम देने के बाद अपराधियों ने दुकान के मालिक सुनील लाठ पर फायरिंग भी की थी। पूरी घटना CCTV में कैद हो गई थी। बदमाश इस दौरान दुकान के कई कर्मचारियों के मोबाइल फोन भी लेकर भाग गए थे। इस ज्वेलरी लूटकांड का लाइनर दरभंगा का ही एक स्वर्ण व्यवसायी कन्हैया कुमार था। उसके मधुबनी और हाजीपुर के बदमाशों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। लाइनर पहले पटना बाकरगंज में काम करता था, उसी दौरान उसका अलंकार ज्वेलर्स के यहाँ भी आना जाना होता था। बाद में कन्हैया ने अपनी दुकान खोल दी, इसके बाद भी वह अलंकार ज्वेलर्स आता जाता था। दुकान के गहने देखकर उसे लालच आ गया, फिर इतनी बड़ी साजिश रची। हालांकि इस मामले में पुलिस को अच्छी सफलता मिली थी, कई बदमाश पकड़े गए थे, सोना भी रिकवर हो गया था। अब बात करते हैं मुजफ्फरपुर में हुई सोने की लूट की। यहां बदमाशों ने मुथूट फाइनेंस कंपनी से 10 करोड़ से अधिक का सोना लूट लिया और भाग निकले। इस घटना को बदमाशों ने सुबह सुबह अंजाम दिया था। 2019 के फरवरी महीने में हुई घटना जिले के सदर थाने के भगवानपुर इलाके में हुई थी। लुटेरे कंपनी के दफ्तर में ग्राहक बनकर घुसे थे और मौका पाते ही पिस्टल के दम पर सभी कर्मचारियों को कब्जे में ले लिया और सोना लेकर अपराधी चलते बने। कहा जाता है कि अपराधी अपने साथ 3 बैग लाए थे, लेकिन जब तीनों बैग भर गए तो ऑफिस के स्टाफ से 3 और बैग छीन कर उसमें गहना भरा। 6 बैग में इतना गहना था कि उसके चेन तक ठीक से बंद नहीं हो पा रहे थे। बैग कम पड़ने से अपराधी करीब 9 करोड़ के गहने छोड़कर निकल गए थे। अपराधी कस्टमर बनकर लोन लेने के बहाने से घुसे थे। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए समस्तीपुर, बेगूसराय और वैशाली से 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से उस समय लगभग 26.5 किलो सोना बरामद हुआ था। अब बात करते हैं बिहार की सबसे बड़ी सोना लूट की। बदमाशों ने एक साल गोल्ड लोन कंपनी से लगभग 55 किलो सोना लूट लिया था। इसकी कीमत 25 से 27 करोड़ के बीच आंकी गई थी।
2019 के नवंबर महीने के दूसरे पखवाड़े में हुई इस घटना ने हाजीपुर से लेकर पटना तक हलचल मचा दी थी। दरअसल हाजीपुर के सिनेमा रोड में मुथूट फाइनेंस कंपनी का अपना दफ्तर है। 8 की संख्या में हथियारबंद अपराधी पहुंचे थे। घटना के समय मुथूट फाइनेंस कंपनी के कार्यालय में अकाउंट खुलवाने और ऋण लेने के नाम पर पहले दो अपराधी पहुंचे थे। दोपहर लगभग 12 बजे का वक्त था। इसी दौरान कंपनी के बाहर 4 अन्य अपराधी गार्ड मनोज कुमार को पीटने लगे। कार्यालय में काम कर रही एक महिला कर्मचारी ने सीसीटीवी कैमरे में गार्ड की पिटाई का दृश्य देखा तो शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर चारों अपराधी गार्ड को छोड़कर कार्यालय के अंदर घुस गए। इसके बाद मैनेजर से मारपीट की, फिर लॉकर की चाबी लेकर घटना को अंजाम दिया। यह लूट बिहार की सबसे बड़ी लूट मानी जाती है। तो आपने बिहार में सोना लूट की 5 बड़ी घटनाओं के बारे में जाना। हालांकि सोना लूट की छोटी छोटी कई वारदातें हुई है। इसी में पटना के बाकरगंज स्थित सोना मंडी में भी लूट हुई थी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।